हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे, यदि यह चीजें जमीन पर गिरती हैं तो हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। दोस्तों, रोजाना की जिंदगी में हम कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। खाने और इससे जुड़ी चीजों को गिराने को भी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में खाद्य पदार्थों के गिरने को शुभ अशुभ संकेत से जोड़कर देखा जाता है। आइए जानते हैं कि इन सब चीजों का गिरना हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसमें बहुत बढ़िया जानकारी एवं टिप्स और ज्योतिष उपाय लेके आते रहते हैं, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, यदि ये उपाय और जानकारी आप अपने श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हैं तो यह फायदा जरूर पहुंचाते हैं। दोस्तों, इसी वजह से हमारे चैनल पर कम ही समय में 4 लाख के लगभग सब्सक्राइबर हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा चैनल इसी तरह भारत के कोने कोने तक पहुंचे और हम सभी की परेशानियां दूर कर सके और हम अच्छी अच्छी जानकारी आपको दे सके। आइए जानते हैं कि आज के बारे में कि यदि घर पे कोई चीज हमसे गिर जाती है तो वह हमें कुछ संकेत जरूर देती है। वह क्या क्या संकेत होते हैं, आइए जानते हैं। नमक के बिना खाने का कोई मतलब ही नहीं होता। नमक स्वाद के साथ पूजा पाठ और नजर दोष को दूर करने के काम आता है। यदि हाथ से नमक गिरे तो शुक्र और चंद्रमा के कमजोर होने का संकेत होता है। यदि आपसे काली मिर्च बिखर जाए तो किसी निकट संबंधी से रिश्ते खराब हो सकते हैं। पानी का गिरना, पानी का गिलास हाथ लगकर गिर जाता है तो यह अशुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि कोई बीमारी आपको आने वाले भविष्य में परेशान करने वाली है। दूध का गिरना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उबले दूध का गिरना सुख समृद्धि के कमजोर होने का संकेत होता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच मानसिक परेशानियां बढ़ने का भी इशारा करता है। दूध या उससे बने पदार्थों के गिरने का मतलब होता है कि परिवार का वित्तीय संकट आने वाला है। तेल का गिरना, खाने के तेल का गिरना भी शुभ नहीं माना जाता। यह इस बात का कि परिवार पर कोई बहुत बड़ा कर्ज आने वाला है, यह दरिद्रता का भी संकेत देता है। गेहूं चावल का गिरना, गेहूं चावल या अन्य खाद्य पदार्थ का बिखरना या गिरना देवी अन्नपूर्णा व देवी लक्ष्मी के रुष्ट होने का संकेत होता है। अगर गलती से अनाज गिर जाए तो इन्हें उठाकर माथे से लगाकर हमें अन्नपूर्णा देवी से क्षमा मांग लेनी चाहिए। पैसों का गिरना, घर से बाहर जाते समय या कपड़े पहनते समय पैसे गिरते हैं और दिख जाते हैं तो इसे शुभ शकुन समझा जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपके हाथ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। यदि किसी से लेन देन के समय हाथ से पैसा छूटकर जमीन पर गिर जाता है तो इसे भी शुभ माना जाता है। सिंदूर का गिरना, हर सुहागन की शान होता है सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर, अगर सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो इसका मतलब है कि पति पर कोई विपत्ति आने वाली है या पति के साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। धन या व्यापार से संबंधित नुकसान भी होने का सूचक सिंदूर का गिरना होता है। पूजा सामग्री का गिरना, पूजा करते समय यदि पूजा सामग्री अचानक से या आरती की थाली गिर जाती है तो माना जाता है कि पूजा भगवान को स्वीकार नहीं हुई। यह आने वाले समय में किसी विपत्ति के आने का संकेत भी देते हैं। पूजा के दौरान दिए का बुझना भी बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, यदि कुछ चीजें हमारे हाथों से गिर जाती हैं तो वह हमारे आने वाले भविष्य में शुभ या अशुभ संकेत जरूर देती हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।